दोस्तों, यदि मैं बार बार आपसे कहूं कि मैं बहुत फनी हूं, ऐसा हो सकता है क्या? जब तक कि आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखते नहीं। जी हाँ, बबली बाउंसर फिल्म की करने आ गया हूँ बात। बने रहिए आपके अपने इस वीडियो के साथ। बबली बाउंसर की हीरोइन जो बबली है ना, बार बार इस पूरी फिल्म की बात की जाए, एक ही स्क्रिप्ट से पता चलता है कि इन्होंने कहा है मैं फनी हूं, मैं बहुत फनी हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म के बारे में यह बात कही नहीं जा सकती। वैसे हिटिंग फिल्म बनाने के लिए अगर बात करूं, निर्देशक मधुर भंडारकर साहब की पहचान तो है, लेकिन साल 2011 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसकी मुझे याद आ गई, जिसका नाम था दिल तो है बच्चा जी। और ये बबली बाउंसर लेकर दोबारा से एक बार फिर से हमारे इस डिज्नी हॉटस्टार पर आ चुके हैं। वैसे एक घंटे लगभग तकरीबन 57 मिनट की अगर मैं बात करूं इस पूरी फिल्म की, तो सच में एक वन टाइम वॉच कह सकते हैं। और इस पूरी फिल्म की बात करें, हरियाणा की एक गांव की रहने वाली बबली जो पहलवान की बेटी होती है, दो चार लड़कों से अकेली भिड़ने का मादा रखती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता बबली की शादी कराने के मूड में होते हैं, और बस यही एक नौजवान उनकी जिंदगी में आ जाता है जो दिल्ली में शानदार जॉब करता है। ये पूरी की पूरी अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ, मेहनत की कमी पूरी फिल्म में झलकती है। बबली की कहानी आगे बताऊंगा नहीं, घंटा भर के बाद भी अपना फिल्म देखना अगर आप शुरू करेंगे तो कुछ भी आपको ये लगेगा नहीं कि कहीं पर कुछ मिस हुआ है। दर्शकों का मनोरंजन की बात करूं, हंसाने की भरपूर कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं, क्योंकि दृश्य इतने सटीक और मजाल है जो आपको हंसी आ जाए। तो विराज की बात करें, बबली की चाहत और ये जो रिएक्शन है ना, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में तमन्ना भाटिया का लीड रोल में चयन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। वैसे ये कहीं से मैं बाउंसर नहीं रखती, बार बार आपको समझाना पड़ता है या खुद बताना पड़ता है कि मैं बहुत फनी हूँ, मैं लेडी बाउंसर हूँ, लेकिन ऐसा दिमाग हमारा मानने को तैयार नहीं होता। वैसे हरियाणवी अंदाज में बोली जाने वाली हिंदी भी तमन्ना पर बिल्कुल परफेक्टली शूट नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे निर्देशक के तौर में मधुर भंडारकर साहब निराश करते हैं। वैसे ये कहानी की मैं बात करूँ, इस फिल्म की ये अधपकी कहानी स्क्रिप्ट पर अगर थोड़ा सा फिल्म बनाने के फैसले की बात करूँ, शायद कहीं पर कमी रह गई। वैसे अगर मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, इस पिक्चर के निर्माता की बात करूँ, विनीत जैन जी और मधुर भंडारकर साहब, एक बार फिर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर अच्छे से काम हो जाता तो शायद यही फिल्म और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। लेकिन इस बात के चलते आज की हमारी इस वीडियो में हम इस मूवी के लिए सिर्फ एक वन टाइम वॉच कह सकते हैं। वैसे ऐसी तमाम सारी मूवीज का रिव्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारी इन वीडियोस के जरिए। अभी के लिए बस इतना ही कहूंगा कि वैसे फिल्म पसंद ना आए ना आए, लेकिन हमारी वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, ऐसी जानकारियों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।